प्रशासन ने यात्रा की परमिशन नहीं दी है, साथ ही नौ में धारा 144 लागू है। इसके अलावा एहतियातन 28 अगस्त को स्कूल कॉलेज और बैंक सब बंद रखने के आदेश। दोस्तों, नौ मेवात को एक बार फिर से जलाने की तैयारी जो है वो हिंदू संगठनों ने रची हुई थी, पर हिंदू संगठन के हर किरे किराए पर पानी फेरने का काम पुलिस प्रशासन द्वारा कर दिया गया है। जहां नौ मेवात हिंसा के बाद एक के बाद एक ट्रांसफर की झड़ी लग गई, तो हर किसी को इस चीज को देखना था कि नए पुलिस कमिश्नर या नए अधिकारी उस जगह पहुंचते हैं तो वो किस तरीके से हर कार्य को अंजाम देंगे, क्योंकि आज 27 अगस्त है, 28 अगस्त को फिर से नौ मेवात में यात्रा निकालने का ऐलान किया गया था और उस यात्रा पर हंटर पहले ही पुलिस प्रशासन द्वारा चला दिया गया। तो साफ तौर पर हिंदूवादी संगठनों ने यह कहा कि हमें तो साहब किसी की भी इजाजत की जरूरत नहीं है, हम यात्रा निकाल करके रहेंगे। जिसके बाद नए पुलिस कमिश्नर ने आते ही साफ तौर पर हिंदूवादी संगठनों की चूड़ी जो है वो टाइट कर दी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है कि गुरुग्राम पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन्होंने आते ही बिट्टू बजरंगी, मोनू मानेसर जैसे लोगों की चूड़ी टाइट करने का काम कर दिया है। वो चूड़ी कैसे टाइट की है इस पहलू को भी आपके सामने रखूंगा, क्योंकि जिस तरीके से भड़काऊ बयानबाजी करके यात्राएं निकाली जा रही थी, जो कि इससे पहली यात्रा में हुआ कि बिट्टू बजरंगी ने कैसे नफरत भरे भाषण का प्रयोग किया, तो वहीं मोनू मानेसर ने खुल्लम खुल्ला ऐलान किया कि वो इस जगह पर पहुंचेगा। पर गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने साफ शब्दों में कहा कि कोई अगर ये सोच रहा है कि वो भड़काऊ बयानबाजी करके बच करके निकल जाएगा तो ऐसा होने वाला बिल्कुल नहीं है, और 28 अगस्त के लिए हमने भी पूरी तैयारी हिंदूवादी संगठनों के लिए कर रखी है, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है कि नू हिंसा के बाद गुरुग्राम और अन्य शहरों में बड़ी भड़काऊ बयानबाजी, अब हेट स्पीच देने वालों पर एक्शन की तैयारी में। जो गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर आए हैं विकास अरोड़ा, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि कोई भी हेट स्पीच दे, चाहे कोई भी हो, चाहे मोनू मानेसर हो, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और हर एक चीज की बारीकी से जांच की जाएगी। जो कि मोनू मानेसर समेत अन्य लोगों के विरुद्ध गुरुग्राम में हेट स्पीच के कई केस दर्ज हैं, इस बारे में पूछे जाने पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन्होंने अभी ज्वाइन किया है, ऐसे में पता किया जाएगा कि हेट स्पीच में कौन से मामले दर्ज हैं। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है कि उन्होंने साफ तौर में मोनू मानेसर को लेकर के अपनी कड़ी प्रतिक्रिया जो है वो दी है, क्योंकि किस तरीके से गौ रक्षक अपने आप को कहने वाला मोनू मानेसर दो लोगों को जिंदा चलाने का दोषी है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आती है कि कैसे बुलेरो गाड़ी में बैठा करके नासिर जुनेद की हत्या इसके गैंग के लोगों ने की थी, तो वहीं मोनू मानेसर के खिलाफ दर्ज है हेट स्पीच का केस, जो कि विकास अरोड़ा, जो नए पुलिस कमिश्नर, ने कहा कि यहां ज्वाइन किया है, ऐसे में पता किया जाएगा कि हेट स्पीच में कौन से मामले दर्ज हैं मोनू मानेसर के खिलाफ। पुलिस उन सभी लोगों को गिरफ्तार करेगी जो कि आते ही खड़े शब्दों में ये आदेश जारी कर दिया गया है पुलिस कमिश्नर द्वारा, क्योंकि इससे पहले भी कला रामचंद्रन, जो कि पुलिस कमिश्नर थी, उन्होंने जब कुछ हिंदूवादी संगठन के लोगों को पकड़ा तो कैसे उनका ट्रांसफर हुआ, और विकास अरोड़ा नए पुलिस कमिश्नर, उन्होंने आते ही कह दिया कि जो भी हो वो किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, और देखते हैं कि 28 अगस्त को किस तरीके से ये लोग जो हैं अपनी तैयारियों के साथ वहां आते हैं।
क्योंकि ये भी साफ तौर पर कहा कि इनके बहकावे में ना आए युवा बाद में पछताना पड़ सकता है। जो लोग मोनू मानेसर जैसे लोगों को देख करके उत्तेजना में आते हैं कि साहब मोनू मानेसर का तो पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा, तो हम भी क्यों ना नए मोनू मानेसर बनकर पैदा हो जाए। जो इसको देख करके कई युवा इस कदम को अंजाम देंगे, तो साफ तौर पर संदेश दे दिया गया कि इनके बहकावे में युवा ना आए और ऐसा ना हो कि बाद में उन युवाओं को पछताना पड़े, जो कि पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने साफ तौर पर कहा। क्योंकि गुरुग्राम में आए नए पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा ने अपराधियों और शरारती तत्वों को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की बात कही है। उन्होंने भड़काऊ बयानबाजी करने वालों को भी सख्त चेतावनी दी है कि अब आप पक्षे नहीं जाएंगे और जिन लोगों के ऊपर केस दर्ज हैं उनकी बारीकी से बारीक जांच की जाएगी और फिर उनके ऊपर एक एक कर शिकंजा भी कसा जाएगा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने है। क्योंकि ये तो बात हुई गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर की, अब 28 अगस्त को लेकर के किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं इस पर बात होना जरूरी है। क्योंकि साफ तौर पर हरियाणा पुलिस ने बड़ा फैसला जो है 28 अगस्त की जो यात्रा निकलने वाली है उसके लिए लिया है, जहां नू में फिर से शोभा यात्रा निकालने पर अड़े हिंदू संगठन रोकने के लिए हरियाणा पुलिस ने बड़ा फैसला लिया है, जिसकी तस्वीर जो है सामने आएगी, जिसको लेकर के पुलिस कमिश्नर ने कई तरीके की एडवाइजरी गाइडलाइंस तैयार की है, जहां आप देखें कि साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल कॉलेज और बैंक 28 अगस्त 25 अगस्त से लेकर के 29 अगस्त तक बंद रहने वाले हैं। क्योंकि पिछले बार की हिंसा की तस्वीरें लोगों के सामने हैं कि कैसे इन लोगों ने उपद्रव मचाया था। क्योंकि हिंदू संगठन ने कहा कि 28 अगस्त को शोभा यात्रा निकालेंगे, लेकिन प्रशासन की ओर से इसे मंजूरी नहीं दी गई है। शोभा यात्रा को रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है पुलिस प्रशासन द्वारा, जो कि धारा 144 लागू होने के बाद खुले तौर पर चेतावनी ये पुलिस प्रशासन को दी गई हिंदूवादी संगठनों द्वारा कि हमें कोई रोक नहीं सकता और हम तो रुकने वाले हैं ही नहीं, जिसके लिए तमाम तरीके से विश्व हिंदू परिषद ने इस यात्रा को संगठित रूप दिया है और 31 जुलाई को हुई हिंसा की वजह से इस यात्रा को फिर से पूरा करने की बात कही, जहां पाल के अध्यक्ष अरुण जेलदार ने कहा कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा है। इसके बावजूद पुलिस प्रशासन ने इस यात्रा को निकालने की इजाजत नहीं दी गई और फिर सीधे तौर पर पुलिस प्रशासन को ललकारना जो है हिंदूवादी संगठनों को भी भारी पड़ेगा, क्योंकि धारा 144 और जिस जगह से यात्रा निकलेगी बैरिकेडिंग करके उन्हें रोकने की भी कोशिश की जाएगी पुलिस प्रशासन द्वारा। और अगर ये उपद्रवी नहीं मानते हैं तो बड़े से बड़े आदेश जो हैं जारी कर दिए गए हैं कमिश्नर द्वारा, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आएगी। तो वहीं आपको लेके चलें अगले पहलू की तरफ, बिट्टू बजरंगी। आपको याद है कि जब पुलिस प्रशासन पकड़ने पहुंचा था तो कैसे लुंगी उठा करके भागना पड़ा था, और इसके बाद यह तस्वीर सामने आई कि नू मेवात में भड़काऊ बयानबाजी की वजह से जो है बिट्टू बजरंगी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस प्रशासन के साथ बदसुल्की करने के मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उषा कुंडू ने साफ तौर पर यह बातें कही कि जान से मारने की धमकी बिट्टू बजरंगी ने पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को दी थी, और इसके बाद क्या कुछ इसके केस में चल रहा है उस बारे में जानना जरूरी है कि वकीलों ने वापस ली आरोपी बिट्टू बजरंगी की जमानत याचिका। और क्यों वापस ली है इस पहलू पर गौर करने की जरूरत है कि बिट्टू बजरंगी के केस में 14 दिन की जेल जो है उसे भेजा गया और 2 दिन के रिमांड में ही बिट्टू बजरंगी ने तोते की तरह अपनी जुबान खोलना शुरू कर दिया था
और इसकी जुबान खुलने के बाद कई हथियार जो हैं वो पुलिस प्रशासन द्वारा जब्त किए गए और उसके जब्त के कारण के बाद में जो है जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद वकीलों ने ये तैयार किया कि जल्द से जल्द इसको जमानत याचिका पर बाहर लाया जाए, पर वहीं कोर्ट के सरकारी वकीलों ने उन वकीलों का विरोध किया जो बिट्टू बजरंगी के केस में अपनी तेजी दिखा रहे थे। और जब ये तेजी दिखाई गई तो सरकारी वकीलों के विरोध के बाद वकील जो बिट्टू बजरंगी का केस लड़ रहे थे उन्होंने इससे अपने वकीलों की वापसी कर ली। वकीलों ने वापस ली आरोपी बिट्टू बजरंगी की जमानत याचिका, जिसकी तस्वीर सामने है कि बिट्टू बजरंगी ने अधिवक्ता एलन पराशर एवं सोमनाथ शर्मा से पत्रकारों से बातचीत में बताया कि बिट्टू बजरंगी की शुक्रवार को एडीजी नू की कोर्ट जमानत याचिका लगाई गई थी। इस मामले में कोर्ट में सुनवाई हुई लेकिन कस्टडी कम होने तथा बेल अर्जी जल्दी लगाने के बाद न्यायाधीशों ने वकीलों से कहा कि सरकारी वकीलों ने जमानत का विरोध किया, इसके चलते जमानत अर्जी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि क्या नू मेवात में हुआ उस पर सभी की नजर है। और सरकारी वकीलों ने जब इसके वकीलों पर प्रेशर बनाया तो उन्होंने जमानत याचिका जो है वो वापस ले ली बिट्टू बजरंगी की, जो कि इसे बड़ा झटका लगा है। तो वहीं उस पहलू पर बात की जाए जो पुलिस प्रशासन के पास गांव वाले खुद पांच आरोपियों को लेकर के पहुंचे, जहां नू हिंसा के पांच आरोपियों को लेकर थाने पहुंचे गांव के लोग और पुलिस को सौंप दिया। जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर पुलिस प्रशासन जो है लगातार सख्त है और अब तक इसमें 60 एफआईआर और 264 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं कि नू मेवात हिंसा में अगर सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो मुसलमानों का ही हुआ है, मुसलमानों के घरों, दुकानों, मस्जिदों, और उसके बाद भी जब चैन नहीं भरा तो बुलडोजर, और बुलडोजर से भी चैन नहीं भरा तो गिरफ्तारियों का सिलसिला जो है वो साफ तौर पर देखने को मिला नू मेवात हिंसा के दौरान, जो कि कई तस्वीरें, कई पहलू जो हैं लोगों के सामने आ रहे हैं। और हर एक पहलू को आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।